हम लोग इस समय हताई में हैं और ये एक बहुमंजिला इमारत है जो भूकंप में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, लेकिन यहाँ कुछ रिश्तेदार हैं जिनके अपने इस मलबे में दबे हुए हैं और इसीलिए वो हर थोड़ी देर में ऊपर आते हैं और उनका नाम पुकारते हैं। उन्हें उम्मीद यही है कि जो लोग यहाँ पर दबे हुए होंगे वो उनकी आवाज़ सुनकर अगर जवाब देंगे तो लोगों को बचाने में मदद मिल पाएगी। और इसीलिए अगर आप देखें तो इस बिल्डिंग में जहां हम हैं यहां पर ये जो बड़े बड़े मशीनों को लाया गया है इसमें कंक्रीट में छेद करने की कोशिश की जा रही है ताकि कंक्रीट में छेद करने के बाद वहां से ऑक्सीजन को, पानी को और खाने को अंदर पहुंचाया जा सके। ये जो मेरे बगल में व्यक्ति हैं ये भी बार बार फोन कर रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं ये बार बार फोन कर रहे हैं कि अगर सिग्नल जाए अंदर और कुछ आवाज़ भी सुनाई दे, लेकिन वो फोन बज रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इनकी आंखों में केवल आंसू है। अगर आप मेरे पीछे देखें इस समय तो एक ये पिता खुद रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन आज 3 दिन बाद उनके बेटे का शव यहाँ से निकाला गया और उनको इस समय पता ही नहीं चल रहा है। जिस बेटे के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी थी और वो बगल में वो टूटी मोटरसाइकिल भी नजर आ रही है, ना बेटा रहा ना परिवार। और उनको उम्मीद यही है कि जो पड़ोसी थे और परिजन थे उनको बचाया जा सकेगा। एक सज्जन और ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों के मुताबिक 50 से 100 लोग इस मलबे में, हताई में अभी भी फंसे हो सकते हैं और इसीलिए एक नहीं दो नहीं यहाँ चार चार बचाव राहत की टीमें आई हुई हैं ताकि बिना रुके बचाव का काम हो सके। यहाँ पर इस समय जहाँ हम पहुँचे हैं अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखें तो 4 टीमें, 2 टीमें यहाँ हैं जो हरे कपड़ों में हैं, 2 टीमें यहाँ हैं जो नीले कपड़ों में हैं और 2 टीमें वहाँ जो नारंगी कपड़ों में है, केसरिया कपड़ों में है, वो सब अलग अलग बचाव की टीमें हैं, एक के बाद एक कोशिश कर रही हैं लोगों को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही आवाज़ आती है उम्मीद की एक किरण दौड़ जाती है और परिवारजन भी ऊपर भागे जाते हैं कि अगर किसी को बचाया जा सके, किसी को सुरक्षित निकाला जा सके। उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसीलिए इस बिल्डिंग में और इसके बगल में, एक के बगल में एक जो 2 बिल्डिंग्स ध्वस्त हुई हैं, लोगों की कोशिश यही, लोगों की उम्मीद यही कि यहाँ से जीवन जीत जाए, मौत हार जाए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, हताई, तुर्की।